फिफ्थ जनरेशन वार का एक और पैंतरा, पाकिस्तानी माशरे की रगों में एक और जहर का इंजेक्शन। मोहतरम दोस्तों, ज़माने हाजिर में आमदोरफ्त के लिए हर वक्त सवारी का हुसूल बहुत बड़ी सहूलत है। ऑनलाइन सवारी बुलाने की सर्विस एक बड़ी सहूलत है। पाकिस्तान में कुछ अर्सा कबल मुतारिफ होने वाली कंपनियों ने इस सिलसिले में शानदार सर्विस देकर खासे कदम जमा लिए हैं। बिलाशुबा ये एक शानदार सहूलत है, लेकिन अब ये कंपनी अपने असल मकसद और हदफ की तरफ आ रही हैं, और वो पाकिस्तानी मुआशरे की अखलाकी इकदार और जड़ों को खोखला करना है। इन कंपनियों ने फीमेल ड्राइवर की सहूलत भी लॉन्च कर दी है। कोई भी शख्स इंटरनेट पर खातून बाइकर को बुलाएगा और सफर के डबल मजे लेगा। सोचिए, क्या ये बेराह रवि नहीं है, और क्या इससे बेराह रवि नहीं फैलेगी? लफ्ज डबल मजे लेगा ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना ही स्पेस की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि एक लिखने वाले ने ये बात लिखी है कि क्या वाकईतन ये अखलाकियात के मुनाफी नहीं। इस तरह कोई भी खातून बसहूलत एक अजनबी नामहरम मर्द ड्राइवर को बुलाकर उसके साथ एक बाइक पर आज़मे सफ़र हो सकती है। ये मुशाहिदा तो बहुत किया गया है, और बाइक के सफ़र में ड्राइवर और मुसाफिर के जिस्मों का टकराव लामहारा यकीनी होता है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, इन कंपनियों का मकसद सिर्फ एक सहूलत मुहैया करना हो। नहीं, अब हम इन कंपनियों के इश्तहारात देखते हैं कि वो तरगीब क्या दे रहे हैं। तकरीबन सभी इश्तहारात में मर्द ड्राइवर के साथ खातून मुसाफिर खुद बैठी है, और अब इस सहूलत के साथ जो सहूलतें हम लोग खुद पैदा कर लेंगे वो आप भी बखूबी जानते हैं और मैं भी। सरासर पाकिस्तानी माशरे को बेराह रवि की तरफ रागिब किया जा रहा है, जिसके भयानक नताज मुरतब होंगे। किसी दाना शख्स का कौल है कि जिस कौम को शिकस्त देनी हो उसके जवानों में फहाशी और बेराह रवि फैला दो। हमारा दुश्मन हम पर यह हरबा भी आजमा रहा है। रोशन ख्याली और सहूलत के लेबल के साथ ये खतरनाक जहर हमारे मुआशरे की रगों में उतारा जा रहा है। दुश्मन के सर्वे को नाकाम बनाना हम पर फर्ज है। मैंने तो अवाम पाकिस्तान को इस खतरे से आगाह कर दिया। आप लोग इस आगही के पैगाम को कैसे और कितना दूसरों तक पहुंचाते हैं, ये आप पर छोड़ता हूँ। अल्लाह मेरी अर्ज़ पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान का हामी व नासिर हो।